राजनीतिक दलों ने हमको कभी मिलने नहीं दिया, हमारे को कभी साथ में आने नहीं दिया। अभी ओबीसी की आंखें खुल रही है, अभी आ गया। संविधान के हिसाब से जो देश चलेगा वही देश हमारे को चाहिए। दलितों का शोषण हो रहा, हम दलितों के शोषण के खिलाफ है, हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते। सभी धर्म के, सभी कास्ट के, सभी लोगों को लेके ही हिंदुस्तान चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना एंड बीसी वेलफेयर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तेलंगाना एसोसिएशन और आंध्र प्रदेश एसोसिएशन से लोग आए हुए हैं। तो मेरे साथ है यहाँ पर एक कार्यक्रम में उपस्थित तमाम ओबीसी के योद्धा और कार्यकर्ता लोगों को मैं मेरे साथ है एक व्यक्ति जो कि तेलंगाना जो स्टेट है वहाँ के ये प्रेसिडेंट है। तो इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, क्या वजह है आप लोग यहाँ आए। ओबीसी पूरा देश में पूरे ओबीसी के सेंसस के वास्ते और 50% रिजर्वेशन के वास्ते और प्रीमी लेयर पूरा निकल देने के वास्ते पूरा धरना कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। है 27% है, मगर पूरा देश में कम से कम 60% जनाबा है, मगर रिजर्वेशन तो 27% मिल रहा है। इसलिए पूरे धरना करने आज पूरा देश में पूरे 27% अब तक 27% है पूरा सेंसेक्स से वास्ते आज देश पे पूरे 1937-31 में सेंसेक्स करे, अब तक कुलगणना अब तक नहीं करे, इसके वास्ते मोदी गवर्नमेंट को अब जय ओबीसी। आप बोलते अरे बोलेंगे तब तो बीसी संक्षेम संघం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు మన బైరి రైకృష్ణ గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతూ ఈ రోజు राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से ये धरना कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। हमारी जो ओबीसी समुदाय की जो हमारी मांगे हैं वो मांगों के हक के लिए, न्याय के लिए हम केंद्र सरकार से हम हमारा हक चाहते नहीं किसी से भीख चाहते। इस तर्ज पर हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से बीसी वेलफेयर एसोसिएशन तेलंगाना और बीसी वेलफेयर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश और हमारे सहयोगी संगठन की ओर से यहाँ पर धरना के अंदर में आए हैं। हमारा केंद्र सरकार में मंत्रालय होना चाहिए ओबीसी मंत्रालय और जाति न्याय जनगणना ये पूरे केंद्र सरकार ने करना चाहिए, वो उनका हक है, अधिकार है। और हम जो भी संवैधानिक मांगे मांगने के लिए हमारे संविधान ने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो संविधान दिया उसके तर्ज पर हम केंद्र सरकार से हमारी मांगे मांगने के लिए यहाँ पर हम एकत्रित हुए। ओबीसी को तो है आरक्षण, ओबीसी को रिजर्वेशन तो है 27%। ओबीसी को मात्र कागज के ऊपर में 27% आरक्षण है, पूरे देश में जो ओबीसी की संख्या है वो 52% हो चुके हैं और अभी भी जनगणना जब तक होगी नहीं, जब तक ओबीसी की संख्या पता नहीं चलेगी। और देश के 62% ओबीसी समाज को 27% आरक्षण पहले मिलना चाहिए। आपको कैसे पता, अभी तो जातिगत जनगणना हुआ नहीं तो आप कैसे बोल सकते हैं 62%। अभी 231 में जो जनगणना हुई थी उसमें हमारा जो था 31 में 1931
उसमें जो जाति जनगणना हुई थी और अभी जो कोविड के कारण जनगणना हुई नहीं, 2011 में जो गणना हुई उसके आंकड़े देश वालों ने अभी तक कुछ ओपन किए नहीं। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक हमारे को ओबीसी मांगे पूरी नहीं होती, जनगणना नहीं होती, जब तक हमारे को आरक्षण नहीं दिया जाए। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं हम ओबीसी भाई, ओबीसी समाज से हैं, ओबीसी माँ के बेटे हैं, और आप बोल रहे हैं वो सुने रहे, वो सुनेंगे आप लोगों की बात? आप लोग धरना क्यों नहीं सुनेंगे? हम संविधानिक मांगे मांग रहे हैं, हम कोई गैर संविधानिक बात नहीं कर रहे। हमारे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें जो हक दिया, संविधान जो दिया, वो संविधान के संविधानिक मांगे हम मांग रहे हैं। तो हमारे को मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलेगी? हम उसी के लिए मांगो, मांगने के लिए आए। जब तक कि बच्चा रोता नहीं है तो उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती, वैसा ही जब तक ओबीसी सड़क के ऊपर आएंगे नहीं, जब तक हमारे को पूरा 27% आरक्षण मिलेगा नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री आपकी बात मान लेंगे? बिल्कुल मानना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी जो 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर में जो मोदी जी पंतप्रधान बने, भारतीय जनता पार्टी ने एनालिसिस किया कि हम सत्ता में किसकी वजह से आए, तो उन्होंने एनालिसिस में उनको पता चला कि इसमें सबसे ज्यादा जो ताकत थी ओबीसी की थी। ओबीसी ने उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुन कर दिया, इसलिए उन्होंने 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा करके एक मोर्चा खोला और उसका नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का देख देख के सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने संघ में, अपने अपने संगठन में ओबीसी मोर्चा खोल दिया है। मोर्चा खोल लिया है, लेकिन जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है उन्होंने तो ये कह दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, तो ये प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मान रहे? देखिए ऐसा है कि जातिगत जनगणना करने का अधिकार जो केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार अपनी अपनी तर्ज पे जनगणना कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की जो जनगणना रहेगी, केंद्र सरकार की ओर से जो जनगणना होगी वो संवैधानिक जनगणना होगी। तो लेकिन पहल तो कर रहे हैं ना, पहल राज्य से, किसी राज्य से ये बात बोलना कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो वो भी नहीं कह रहे। देखिए अभी सिचुएशन उस मोड़ पे आ रही है, आज नहीं कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारी ओबीसी की जो हमारी मांगे हैं उनको आज ना कल पूरा कर देंगे, ये हमें विश्वास है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का, आप लोगों को क्या क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए, राम मंदिर चाहिए, या आपको ओबीसी का आरक्षण चाहिए? हमारे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया वो संविधान के ऊपर चलने वाला देश चाहिए। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, हमने कहा मना किया, लेकिन जो संविधान है संविधान के हिसाब से जो देश चलेगा वही देश हमारे को चाहिए। संविधान में तो हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा हुआ है, तो संविधान ही हमको चाहिए। आप बोले हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। सब जन अपना अपना व्यक्तिगत राय रखते हैं, सबको अधिकार है, ये जनगणना में या सभी इसमें बोलने का सबको अधिकार है। आप लोगों को हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, तो आप लोग बोल रहे संविधान से भी चले, संविधान में तो लिखा हुआ है चारों जो जाति है, चारों जो धर्म है वो सब एक बराबर यहाँ पे हैं और सब मिलजुल के रहेंगे, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन कर रहे हैं? हम हिंदू है, हिंदू के नाते हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले क्या बोले हैं, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो संविधानिक है, जो संविधान है, जो संविधान से जो देश चले उसको हम पहले प्राधान्य देंगे। संविधान से देश चल रहा है? संविधान से चलेगा देश, चल रहा है, अभी तो प्रयास चालू है संविधान से, अभी तो 75 साल के इसमें अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन संविधान की जो, संविधान से जो हमारे को हक मिले, न्याय मिले, उसके लिए अभी बहुत समय लगा है। लेकिन भारत का अमृत काल है, अमृत काल, ये राजनीतिक दलों ने हमको कभी मिलने नहीं दिया, हमारे को कभी साथ में आने नहीं दिया, अभी ओबीसी की आंखें खुल रही है, अभी आगे आ रहा है। मैं बोल रही हूँ अमृत काल चल रहा है, अमृत काल,
अमृतकाल है ना, सरकार बना रही है, लेकिन सरकार आपके सामने है, आपको भी पता है अमृतकाल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप ही को पता है, आप तो पत्रकार है, आप सब जानते हैं, हम ओबीसी के ऊपर में बोलने के लिए लग रहा है अमृतकाल है। देखिए अभी आप घूमिए, आपको पता चाहिए ये अमृतकाल में ऐसा होता था क्या, क्या हो रहा है? ये देखिए ना, सब अपनी मांगों के लिए यह जंतर मंतर पर एक हो रहे हैं। मोदी जी ने सबकी मांगे पूरी कर देना चाहिए, कर देना चाहिए, तभी तो अमृतकाल मनेगा। सरकार आप लोग को हिंदू राष्ट्र भी बना के दे रही है, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर अमृत ये संविधानिक से देश चले वो चाहिए? देखिए संविधान से देश चलता है, देश चलेगा। जहाँ तक हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, जहाँ तक मेरा वक्तव्य है, सनातन हम हैं और भारत हिंदुस्तान है, तो हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, तो संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है। जब बंटवारा पाकिस्तान का हुआ तो जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, तो पाकिस्तान से क्या लेना देना? हिंदुस्तान पाकिस्तान एक है, हिंदुस्तान में बाबा साहेब भीमराव ने संविधान में लिखा है कि यहाँ पे अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो संविधान में कहीं हिंदू राष्ट्र का चर्चा नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं को, जो सनातनियों को आज तक जो हिंदू होने का जो मैंने शोषण हुआ है उसका, कौन कर रहा है शोषण? जो दलितों का शोषण हो रहा है उसका क्या? दलितों का, एससी एसटी का शोषण हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है, हम दलितों के शोषण के खिलाफ है, हम किसी का शोषण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कौन करता है दलितों के साथ शोषण? सनातन धर्म वाले, जो ये सनातन धर्म वाले करते हैं, सबको नहीं कर सकते, सनातन धर्म वाले करते हैं, कौन करता है? कुछ लोग को मंदिर में पूजा नहीं करने दिया जा रहा है, जो वो मानसिकता के लोग हैं, राम मंदिर में घुसने दिया जा रहा है, एकदम घुसने दिया जा रहा है राम मंदिर में, घुसने कितने लोग हैं राम मंदिर में पुजारी ओबीसी के? अब ये तो हम नहीं बता सकते, तो नहीं बता सकते, तो आपको हिंदू राष्ट्र कैसे चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए मतलब सनातनी, उसमें सभी धर्म, अरे जो यहाँ मुसलमान है पहले तो हिंदू थे, उनके पूर्वज हिंदू थे। तो आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं? करते तो संविधान के विरुद्ध हैं आप? नहीं, संविधान के विरुद्ध आप मनुवादी हैं? नहीं, हम मनुवादी नहीं हैं। आपका जो कहना है, हम मनुवादी आपके कहने से, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए, फिर संविधान में कहीं लिखा हुआ हिंदू राष्ट्र? संविधान को बदलने की, संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है और उसको समय के अनुसार संविधान को बदल देंगे, समय के अनुसार उसमें कुछ इम्प्लीमेंट किया जाता है और किया जाना चाहिए। संविधान बना है, बहुत बार बदलाव हुआ है, अगर देश को बचाने के लिए, संप्रदाय मैंने देश की एकता को, अखंडता को मजबूत करने के लिए अगर कुछ उसमें बदलाव करना पड़ेगा तो हम इसका समर्थक हैं। अच्छा, तो मतलब मुस्लिमों को और जो अल्पसंख्यक है सबको भाग जाना चाहिए? नहीं, हम कहाँ करते हैं भाग जाना चाहिए, नहीं हम कहाँ करते हैं भाग जाना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में रहिएगा तो हिंदू। आपका क्या नाम? मेरा नाम नरेश साहू। आपको लेकिन हिंदू राष्ट्र चाहिए? एकदम चाहिए, क्या गड़बड़ी है भाई? हिंदू राष्ट्र में क्या गड़बड़ी? हिंदू राष्ट्र में होगा क्या, हो जाएगा मुसलमान भाग जाएंगे क्या? ऐसा मानसिकता अब ऊंचा सोचना चाहिए, हम लोग को सोच रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो सब भाग जाएगा, ऐसा थोड़े होता है। पाकिस्तान में मुस्लिम राष्ट्र हो गया तो भले सब हिंदू को भगा दिया, सब हिंदू को मार दिया, सबको कन्वर्ट करा दिया। पाकिस्तान में हमेशा अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहे, इसीलिए हिंदुस्तान हिंदुस्तान। पाकिस्तान में भी तो वही बात था, आज स्थिति क्यों वहाँ पाकिस्तान में वहाँ हो गई हिंदुओं की, जाए अल्पसंख्यकों की? आज यहाँ संविधान में भारत लिखा हुआ है, हिंदुस्तान तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। भैया अब हम लोग तो जो जानते हैं सो, तो आप लोग पढ़िए ना, हम लोग तो कर रहे हैं। आपको भी हिंदू राष्ट्र चाहिए? तेलंगाना राष्ट्र, तेलंगाना राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र, तेलंगाना स्टेट हिंदू राष्ट्र, हिंदू। तो देख सकते हैं आप लोग, ये लोग ओबीसी के आरक्षण की मांग कर रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं कि संविधान से देश चलेगा और हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। थैंक यू। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग कुछ और लोगों से बात करेंगे, कांग्रेस कमेटी के तो मेरे साथ ही ये सर हैं, पदाधिकारी संदय जी सिंगलकर। कहाँ से आए सर? नागपुर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से यहाँ पे कुछ लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें संविधान से देश चलाना है, हमें आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए, और ये भी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र भी चाहिए। आप लोग इसके समर्थन में हैं? हम तो संविधान के हिसाब से देश चले उसी के समर्थन में हैं। तो संविधान, संविधान के हिसाब से देश चले तो सब कुछ नॉर्मल है। बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया था इस देश को, वो सबसे अच्छा संविधान है।
आज उसके तहत अगर पूरा देश चले तो सर हर देश पूरे देश में शांति खुशहाली सब कुछ रह सकता है, कोई जरूरत नहीं बाकी सब चीजों की। हिंदू राष्ट्र के लोग कुछ यहाँ पे जो समर्थन में बोल रहे हैं कि संविधान से भी चले देश और हिंदू राष्ट्र भी चाहिए, ये मुमकिन है? हिंदू राष्ट्र का उनका कहना क्या है, क्या चाहिए उनको हिंदू राष्ट्र? पाकिस्तान मुस्लिम है तो इसीलिए हम लोग हिंदुस्तान बनाएंगे, कोई संबंध ही नहीं बोले सर। नहीं, कोई संबंध ही नहीं उस चीज का, पाकिस्तान से आपका क्या संबंध है? पाकिस्तान अलग राष्ट्र है, अलग देश है, उनका एक धर्म अलग है, हम तो हिंदुस्तान में रह रहे ना, तो हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदुस्तानी है, उसमें तकलीफ क्या है किसी को? हिंदू राष्ट्र से हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते ना। अरे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? बोल रहे हैं, मुस्लिम सता रहे हैं हिंदुओं को। कोई किसी को सताता नहीं है इस देश में। बाबा साहब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिख के दिया था, सर्वधर्म समभाव, सर धर्म के जाति के लोग यहाँ खुशहाली से रह सकते हैं। आदरणीय संजय जी सिंगलकर को मंच पे निमंत्रित करता हूँ। कुछ लोग हैं महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, तो आदरणीय संजय जी सिंगलकर जी, सुना कि कुछ लोग यहाँ पे हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, इन लोगों में खुद में फूट है, ये लोग रिजर्वेशन तो मांगने के लिए आए हैं लेकिन बोल रहे हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, जनता बोल रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं है, हिंदू कुछ नहीं है। और अभी हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, तो सर कार्यक्रम हम हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं चाहिए इसके लिए धरने पे नहीं बैठे, हमें चाहिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रणाली है, जो उन्होंने संविधान लिखा है, वो मांग हम पूरी करने के लिए यहाँ बैठे। ये हमारा झगड़ा हिंदू या मुस्लिम का नहीं है या हिंदू राष्ट्र का नहीं है, ये हम हिंदुस्तान में सभी जाति के सभी धर्म के लोग चाहिए, एक धर्म और एक जाति के लोग से हिंदुस्तान, वो बाबा साहब को अपेक्षित नहीं था कि ये हिंदू राष्ट्र होना करके, ये बाबा साहब को अपेक्षित था कि सभी धर्म के सभी कास्ट के सभी लोगों को लेके ही हिंदुस्तान चाहिए। हम वो चीज के लिए ये धरने पे बैठे हैं, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सब लोगों मिलकर हिंदुस्तान चाहिए। वो आप हमको गुमराह कर रहे हैं, आप जो पत्रकार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके वजह से ये प्रॉब्लम सब क्रिएट हो रही है। हम आपको बात कर रहे हैं कि आपके वजह से ये जो प्रॉब्लम है, ये आप पत्रकार लोग जो है आप विषय को गुमराह करते हैं, आप गुमराह करते हैं इसके वजह से। ये हमारी मांग ही नहीं है हिंदू राष्ट्र, क्या काय के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें सब लोग चाहिए, हमें सभी धर्मों के सभी जाति के लोग होके हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक तरफ हिंदुस्तान नहीं चाहिए। इसीलिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले एससी के लिए, जैसा आप बोल रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एससी समाज के लिए विषय लिया, सबसे पहले ओबीसी के लिए उन्होंने कलम 40 में जो लिखा था, सबसे पहले ओबीसी उसके बाद में एसटी आदिवासी। ऐसा कहाँ लिखा मैडम? बीसी विद्यार्थी संघ हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समझ के आप सुनिए पहले सवाल सुनिए ना, आपके सवाल ये सब गुमराह वाले सवाल है, आपके ही लोग बोल रहे हैं। पहले तो आप कहीं भी संविधान में हिंदुस्तान का जिक्र नहीं है, उसमें भारत लिखा हुआ है ना, उसमें भारत बोली नहीं रहे ना। आपका सवाल है कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, संविधान में कहीं हिंदुस्तान लिखा हुआ है? नहीं, हम अदे विधंगा हमारे आंध्र प्रदेश राष्ट्र अध्यक्ष भारत लिखा है, लेकिन हमारे संविधान में हक है, हमारे लोगों के हक के लिए हम यहाँ पे खड़े आए हुए हैं। पूरे भारत में भारत वर्ष यहाँ पे लोग आए हैं, हमारी जाति का चंदन होना चाहिए, सेंट्रल में ओबीसी मिनिस्ट्री होना चाहिए, अभी तक केंद्र सरकार ने क्रिमिनल की मर्यादा 13 सितंबर 2017 से बढ़ाई नहीं, वो बढ़ानी चाहिए, हमारे हक हमको देना चाहिए। ओबीसी बात करके कुछ नहीं होगा, और जब तक ओबीसी मिनिस्ट्री नहीं होगी हमारे हक नहीं मिलेंगे, इसलिए उस हक के लेकर हम यहाँ पे धरना।